ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 28/6/1965 सोमवार को। तीसरे पेज के ऊपर बात चल रही थी परमपिता परमात्मा के बच्चों को अफसोस कहाँ से आवे। क्यों? क्यों नहीं आवे? क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा आनंद स्वरूप है। उसके बच्चे अफसोस में कैसे आ सकते हैं? तुम परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ है। जो तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो और कोई जन्मों में ईश्वरीय सेवा नहीं होती है, अभी तुम सब सोसाइटीज की, भारत की खास और साहब की बड़ी सेवा करते हो। कैसे सेवा करते हो? योग बल से। ये योग बल से पवित्र रह करके क्योंकि योग बल पवित्र बनाने वाला है और भोग बल अपवित्र बनाने वाला है। तुम जानते हो कि हम इस भारत को जो पतित है, पतित पावन की मदद से हम खुद भी पावन बनते हैं और सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। सब चीजों को एकदम तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। तो देखो, ऐसा नशा चाहिए तुम बच्चों को। हम बाबा की मत पर इस भारत की खास और आम सारे वर्ल्ड को हेवन बनाते हैं। भारत के वर्ल्ड भारत को बनाते हैं हेवन, ये तो ठीक, सारे वर्ल्ड को हेवन कैसे बनाते? 500-700 करोड़ है, सारे ही हेवन में जावेंगे क्या? है? वो तो संभव नहीं है। परंतु इसलिए कहा कि हेवन में ही जीवन मुक्ति होती है और एक जन्म की जीवन मुक्ति हर आत्मा के लिए होती है। तो तुमको ये नशा रहना चाहिए। कैसे? बस मन मना भव मद्याजी भव। अर्थात मेरे मन के संकल्पों में समा जा,
संकल्प मात्र भी कोई दूसरा संकल्प ना आवे, विरोधी वाचा और कर्मेंद्रियां विरोधी काम करें वो तो दूर की बात। ऐसा मनमना भव जो बनता है वो जरूर मध्याजी भव होता है। मत मने मेरे, याजी मने यजन करने वाला, सेवा करने वाला भव, अर्थात मेरे लिए सेवा करने वाला हो जा, बाकी ये चक्र का राज और ये झाड़ के पत्तों का राज सभी शास्त्रों का राज ये बैठ कर के राज समझाते हैं। कि कैसे इनमें कोई सार नहीं है, कई चीजों में सार नहीं है। या यूं कहें कोई में भी कोई सार नहीं, क्योंकि जो कुछ भी तुम करते आए हो या जो भी तुमको सिखलाया जाता है, तुम्हारी कला गिरती ही जाती है, कलाएं कम होती जाती हैं, तहां के आकर के एकदम पतित बन पड़े। सब एक मत होकर के पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तो देखो सब पतित हो गए ना। बाप भी आकर के ऐसे ही कहते हैं, मैं सबका, जो भी साधु लोग हैं उनका भी उद्धार करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचारी है। भ्रष्ट इंद्रियों से ही आचरण करने वाले हैं, पूछते हैं बाबा भ्रष्टाचारी क्या करते हैं। अरे मूत से पैदा हुए हैं ना, भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा हुए हैं ना, तो भ्रष्टाचारी हैं। और फिर क्या करते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। नाम गुरु का रखवाई दिया है, गुरु का काम है सदगति देना, सदगति कहते ही है सच्ची गति। अभी तो सबक की दुर्गति होती जाती है, ये गुरु लोग दुर्गति में पहुंचाते हैं। जो कुछ भी कराते आते हैं, जप तप तीर्थ यज्ञ दान पुण्य सब करते आए, और ये सब करते करते कहां आ गए हो तुम, सभी गिर पड़े। ये तो तुम गाते हो कि भक्ति माना दुर्गति रात, ज्ञान माना सदगति।
पहले ये भक्त भी सदगति में थे, फिर भक्ति में आए, गिरने लगे। अब विचारी और विचारी भक्ति करते करते उल्टा ये हाल हुआ करके हुआ है। अभी पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ, तो एक को पुकारते हो ना, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, कभी पतित नहीं बनता है, वो सदैव एवर प्योर है। तो बस बच्चों को बाप की मत पर चलना पड़ता है। मुझे ही याद करते रहो, ये गंगा स्नान वगैरह वगैरह से कोई पतित से पावन नहीं बन सकता है, न कि ये जल कोई सागर से निकला, नहीं, ये हैं ज्ञान गंगाएं, जड़ सागर से नहीं निकलती हैं, चैतन्य ज्ञान सागर से निकलती हैं। इनों द्वारा तुम पति से पावन बन सकते हो। तो इसको फिर ज्ञान स्नान कहा जाता है। बाकी स्नान कोई पानी नहीं है, वो पानी से कुछ भी नहीं निकलता। पानी बिलोने से कोई सार नहीं निकलने वाला। मंथन करने से सार निकलता है ना, तो ये ज्ञान सागर का मंथन है। नई नई बातें निकलती रहती हैं। वो गुरु लोग तो वही शास्त्रों की पुरानी बातें सुनाते हैं, कुछ नया तो नहीं सुनाते। तो स्नान अक्षर रखने से ही मनुष्य मुझ पड़े हैं, नहीं तो है ये नॉलेज की बात। देखो नॉलेज क्या है, सब जान जाते हो, परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को जान जाते हो, सारे ड्रामे में जो उनकी एक्ट चलती है, किनकी एक्ट, परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को जान जाते हो, सारे ड्रामे में जो उनकी एक्ट चलती है, तुम उनको जान जाते हो। किसकी एक्ट की बात हुई है? परमपिता परमात्मा शब्द बोला। सारे ड्रामा में जो उनकी एक्ट चलती है, उनकी बायोग्राफी को, उनकी एक्ट को तुम जान जाते हो। तो ये कहां से जानेंगे? बोलते हैं फादर सोशन,
कहाँ से जानेंगे? फादर सो सन, सन सो फादर। किसकी बात हो रही थी? है परमपिता परमात्मा की बात हो रही थी। अब परमपिता जो है, जो सबका पिता है, प्रजापिता का भी पिता है, सभी मनुष्य मात्र का जो पिता है उसका भी पिता, परमपिता जिसका कोई भी पिता और नहीं होता, उसकी बायोग्राफी को तुम किससे जान जाते हो? कहां से जानेंगे? है? जो शिव है उसका बड़ा बच्चा कौन? कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर ही बड़ा बच्चा हुआ। उस बड़े बच्चे की सारे ड्रामे में जो एक्ट चलती है, उस एक्ट से तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को जान जाते हो। फादर सो सन, सन सो फादर। कौन सा फादर सो सन? पहले पहले कौन सा फादर सो सन? शिव बाप, आत्माओं का बाप। किसको शो करता है? प्रजापिता को शो करता है। फिर प्रजापिता फादर को शो करता है। तो जिसने सब संस को सुनाया, किसने सुनाया? जिसने सब संस को सुनाया, संस माने हैं सब बच्चों को। कितने बच्चों को? 500 करोड़ बच्चों को जिसने सुनाया। क्योंकि जो उसने सुनाया सो आत्मा सुनती है ना। कहते भी हैं कि बरोबर बाप आया हुआ है, है? कौन सा बाप आया हुआ है? मनुष्यों का बाप तो इसी सृष्टि पर था, वो तो ऑलराउंड पार्ट बजाता है। तो कौन सा बाप आया हुआ है? जो आत्माओं का बाप है और मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है, वो आया हुआ है। इसलिए आया हुआ है बच्चों को सुनाने। ये आत्मा को पवित्र करना है। किस बात से? है आत्मा को पवित्र करना है या आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लग रहा है? तो बस उनको ही याद करना है और खुशी में हर्षित मुख रहना चाहिए। हर्षित रहने का अर्थ है कोई ठहाका मार करके हंसने की बात नहीं है। ये तो गुप्त बात है, गुप्त खुशी है। क्योंकि तुम गुप्त बारियर्स हो। बाबा भी गुप्त है, बच्चे भी गुप्त हैं,
इसलिए इनको इनकॉग्निटो कहा जाता है। देखो इनको कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि गीता में कॉग्निटो को नाम डाल दिया है। कॉग्निटो कृष्ण राजयोग सिखाने वाला है। अरे वो तो कॉग्निटो है ना, होवे तो सब आकर के एकदम उनके बन जावे, गले में कच्छ में कृष्ण को लेकर के एकदम घर भाग जावे। नहीं, ये गीता में ज्ञान देने वाला इनकॉग्निटो है। बाप कहते हैं मैं गुप्त वेश में इनमें आया हुआ हूं, गाते भी हैं। गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जागे इंसान। और वो कोई शास्त्र वगैरह में नहीं है, बरोबर जानते भी हैं कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। काहे की स्थापना है? ब्रह्मा द्वारा काहे की स्थापना करते हैं? ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना करते हैं क्या? ब्राह्मण धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं? है स्वर्ग की स्थापना नहीं करते? नई दुनिया की स्थापना नहीं करते? नई दुनिया की राजधानी की स्थापना नहीं करते हैं? और धर्म पिताएं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, और जो बापों का बाप है वो धर्म स्थापन करके नहीं चले जाते हैं, वो धर्म स्थापना के साथ राज्य की स्थापना करते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं और नरक का विनाश कराते हैं। अब कैसे स्थापना करते हैं वो तो कहां लिखा हुआ नहीं है, वो तो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है कि स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और कृष्ण को दिखाते हैं द्वापर के अंत में, तो द्वापर के अंत में पापी कलयुग नरक बनता है या स्वर्ग बनता है? तो कृष्ण ने कहां स्थापना की? नई दुनिया की। पुण्य आत्माओं की दुनिया की स्थापना कहां की? ये तो झूठ बोलते रहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। बाप भी तो समझाते रहते हैं, इसलिए और कोई भी नहीं। बच्चे जो बेचारे एकदम मुझे हुए हैं, बाप को नहीं जानते, आर्फंस बन गए हैं। कौन कौन आर्फन बन गए हैं? अरे बच्चे
उन बच्चों की बात बताई। आर्फन किसे कहा जाता है? आर्फन माने जो बाप को नहीं जानते, बाप की परवरिश में नहीं रहते। कौन बच्चे हैं वो जो बाप को नहीं जानते, बाप की परवरिश में नहीं रहते? बेचारे एकदम मुझे हुए हैं, है? भक्त तो फिर भी भावना पक्की होने के कारण मुझे हुए नहीं है, लेकिन यहां भक्तों की बात नहीं है, यहां बात है बच्चे जो बेचारे एकदम मुझे हुए हैं। कौन से बच्चे हैं? बेचारे एकदम मुझे हुए हैं, बाप को नहीं जानते। माने अम्मा को जानते हैं, अम्मा को तो जानते हैं, बाप को नहीं जानते। आर्फन्स बन गए हैं, निर्धन के बन गए हैं, दुखी बन गए हैं। तो उनके ऊपर जैसे बाप रहम करते हैं, वैसे तुम भी रहम करो। क्या कहा है? छोड़ देना है या रहम करना है? तुम भी रहम करो, उनको परिचय दो। किसका? बाप का परिचय दो कि बाप से सदा सुख का वर्षा पाए लेवे। आधा कल्प बाप को याद किया है, पूरा धक्का खाया, यहां खाया वहां खाया। ये भक्ति मार्ग है, गिरने का मार्ग है। जो है ही भक्ति, ज्ञान नहीं है, बाकी है भक्ति। तो महिमा तो उनकी रहेगी। अब जब ज्ञान है तो देखो भक्ति को छोड़ देते हैं। ज्ञान की पहचान क्या बताई? भक्ति उड़ जाती है, माने ज्ञानी है। भक्ति के संस्कार हैं, माने अज्ञानी है। 28/6/1965 की वाणी का चौथा पेज। ज्ञान है तो ये भक्ति आदि कुछ भी नहीं है। बाबा को याद रखना है और बाबा के पास जाना है। बिल्कुल सहज रास्ता कि अंतमते सुगति। क्या मते? अंत मते क्या? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एकदम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अभी अंत मते सुगति के लिए वो नहीं है कि पिछाड़ी में बैठ करके राम राम कहो तो उनको कोई सदगति हो सकती है? नहीं, वो तो उनको माँ बाप, बच्चा, धन दौलत सब याद पड़ जाती है। यहां तो तुमको देह सहित सब कुछ भूल अपन को आत्मनिश्चय करो। हम नंगे थे,
शरीर रूपी वस्त्र भी नहीं था, कहां बाप के घर में हम नंगे थे, हमारा ये शरीर रूपी वस्त्र भी नहीं था, तो सगे संबंधी कहां से आ जाएंगे? जहां हम नंगे थे वहां हमारा घर। ये पाठ बजा कर अभी हमारा कपड़ा पूरा हो गया, पुरानी देह हो गई। अभी बाबा कहते हैं चलो बच्चे घर, तो जैसे कि हम एक्टर्स हैं, 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाकर अभी हम वापस जाते हैं। इसलिए इन पुराने कपड़ों से पुरानी दुनिया से कोई भी हमारा बिल्कुल ममत्व तो नहीं है। हमारा तो एक है जो हमको फिर से विश्व की बादशाही देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं जब वो एक ही तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं तो फिर दूसरे को क्यों याद करना चाहिए? भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में पड़े हो तो वहां रहते हुए भी पवित्र हो, वो भी तो समझाया जाता है ना कि पवित्र भी रहो, कोई भी बेकार नहीं। पवित्र माना, पवित्र माना ही कोई भी बेकार नहीं। कार माना कार्य, बेमाने विपरीत, सीमत के बरखिलाफ कोई भी कार्य नहीं, कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। सिर्फ मुझे याद करो, मुझे याद करते रहेंगे तो स्वतः ही तुम्हारे पास भूत नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं और सभी बाहर की जो बातें हैं कि ये मर गया, ये फलाना हो गया, नहीं, वो तो विनाशी शरीर छोड़ा है। बाप ने कहा इस आत्मा से हमको बहुत कुछ अच्छा कार्य कराना है, तुम अपने मनमना भव, मद्यादि भव, अपनी कमाई में लग जाओ, बाकी दूसरी कोई भी फिकरात या वातावरण मुरझाना फलाना इन बातों में मत रहो। इसलिए बाप को ही याद करते रहो और अपना वर्षा लेती रहो बस, और कोई भी इन बातों में संशय बुद्धि मत बनो, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। संशय बुद्धि कहते हैं कि विनश्यन्ति, यानी विनाश ही पद पाएंगे। किन के लिए बोला, किस समय की बात है?
कौन से सन की बात है? सन 65 की बात है। क्या हुआ था सन 65 में? मम्मा ने शरीर छोड़ा था और मम्मा के लिए बाबा ने मुरली में बोला था कि बाबा भले चला जावे लेकिन ये मम्मा अंत तक यज्ञ का कार्य करती रहेगी। तो बच्चों को संशय आ गया, बाबा ने ये क्या बोला और ये क्या हो गया? तो बाबा ने कहा कोई भी संशय नहीं लाना चाहिए। अरे अब संशय नहीं आएगा है? आएगा माना जो संशय आएगा वो बाबा की श्रीमत के अनुकूल है। क्यों? बाबा ने तो बोला ये मम्मा अंत तक रहेगी भले बाबा चला जावे। अरे मतलब ये है कि बाबा ने जो बातें बोली हुई हैं उनका सही अर्थ है बच्चे नहीं जानते हैं, जरूर अर्थ का कुछ अनर्थ हो रहा है। जब बाबा ने बोला ये बाबा चला जावे परंतु मम्मा अंत तक रहेगी, तो बाबा तो चला गया। बच्चों ने देखा बाबा से पहले मम्मा पहले ही चली गई, परंतु जिस बाबा के लिए बाबा ने बोला वो बाबा तो नहीं चला गया। दूसरी बात, मम्मा चली गई, अरे जिसको मम्मा बोला वो मम्मा जगदम्बा भी नहीं चली गई। वो मम्मा जगदम्बा कोई शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, यज्ञ में ही पार्ट बजाती है बाद में, तो चली कहां गई? तो ये संशय बुद्धि फिर कहते हैं विनश्यन्ति हो जावेंगे, यानी विनाशी पद पावेंगे। बाबा की एक एक बात में पक्का निश्चय बुद्धि होके रहना चाहिए। संशय होगा तो क्या करेंगे, पता नहीं है क्या है, ये झूठ है, अच्छा हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये करेंगे। बाबा की बातों में अगर संशय आ गया तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, मरा। पढ़ाई छोड़ दिया, खेल ही खलास। तो कोई भी संशय में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। भले कितने भी कड़े ते कड़े तूफान आवे, बाबा से याद और उनसे वो चक्र का मंथन करना ये कभी नहीं छोड़ने का है। अगर छोड़ा तो मरा, अपना ही पद भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए बाप आकर के हमेशा कहते हैं कि अरे बच्चे बाप को याद करते रहो और बाकी साक्षी होकर के ये खेल देखते रहो, कभी भी मुरझाओ नहीं, क्योंकि
जिनको इतना बड़ा बाप मिला, जिनसे इतना तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो उसी खुशी में रहना चाहिए ना। जो जो बच्चे बाप को याद करते हैं, ये चक्र फिराते हैं, औरों को सिखलाते हैं, उसी धुन में लगे रहो, उसी धुन में कोई भी विघ्न नहीं डालना है। जो कुछ भी हो बे, ब्रह्मा में बहुत कुछ होता है, उसमें तुम्हारा क्या काम। ये तो बाप जाने और बच्चे जाने। बाप कोई बच्चे को कोई काम पर ले जाते हैं, गुप्त काम भी तो कराए जाते हैं, उसमें तुम्हारा क्या जाता है। क्योंकि तुम बच्चे अभी वास्तव में अमर, माना कि काल पर जीत पहनने वाले हो। जो मर करके चले गए, उन्होंने तो काल पर जीत नहीं पहनी, परंतु तुम तो काल पर जीत पहनने वाले हो, अमरनाथ के अमर बच्चे हो। सो भी वहां बनेंगे, यहां तो बहुतों को काल खा नहीं है। वहां अमर बनना है तो वहां तुम्हारी चलेगी, काल की नहीं चलेगी। तब ये ज्ञान पूरा हो जाएगा। कब है? जब तुम काल पर जीत पावेंगे तो ये ज्ञान पूरा हो जाएगा। बाकी यहां तो कोई गया, कोई भाई गया, अच्छा अच्छा गया, चलो मुट्ठी मर पड़ती है तो क्या हुआ? क्या हम बाबा से योग तोड़ देंगे? कोई के शरीर के ऊपर अफसोस करते हैं तो हम भी अज्ञानी ठहरे। क्यों है? कोई का शरीर छूट जाता है उसमें अफसोस न करें, तो लोग कहेंगे ये कैसा निर्दयी आदमी है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके चली गई या चला गया। इसको कोई अफसोस नहीं होता है? नहीं। अगर अफसोस होता है तो अज्ञानी ठहरा। जैसे अज्ञानी अफसोस करते हैं वैसे हम भी हो गए। ये तो एकदम जबरदस्त बड़ी भारी मंजिल है। रोने करने का नाम निशान नहीं। जबकि पति हमारा, जिसको पतियों का पति कहते हैं, हम सजनी तो है ना,
ब्राइड्स है ना, वो ब्राइड ग्रूम है, तो वो ब्राइड ग्रूम तो हमेशा जिंदा है और वो हमेशा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए श्रृंगार कर रहे हैं। तो हमको वही हर्षित मुख की खुशी में रहना चाहिए। हम दूसरी बात सुनते ही नहीं, जानते ही नहीं, कभी भी नहीं। अरे आगे चल करके तो ये बहुत होता रहेगा, कहां तक अफसोस करते रहेंगे। इसलिए कभी भी जरा भी हिचकिचाना नहीं है, महावीर बनना है। अभी नहीं बने हो, अभी कभी मोह हो जाता है, कभी कहां कोई नाम रूप में फंस मरते हैं। नहीं नहीं तुमको तो ज्ञान सुनना है, बरोबर आत्मा सुनाती है, आत्मा परमात्मा से सुनती है, फिर वो बैठ करके शरीर द्वारा हमको सुनाती रहती है। इसलिए आत्माभिमानी बनना है और सदैव बाप को याद करती रहना है, और कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए, सदैव हर्षित मुख, कुछ भी हो जाए। देखो तुमको मोहजीत राजा बनना है। कौन है, किसका गायन है मोहजीत राजा है? कौन? राजा हरिश्चंद्र। मोहजीत राजा बनना है। वो राजा मोहजीत थे, तो वो कहां से ऐसे कर्म किए जो इतने मोहजीत बन गए। अभी तुमको यहां मोहजीत बनना है, कोई में भी मोह नहीं, अपने शरीर में भी कोई मोह नहीं, मोह एक में, किस एक में है, किस एक में, प्रजापिता में मोह प्रजापिता में मोह रखना है, या प्रजापिता में शिव बाबा आया हुआ है उस शिव बाबा में मोह रखना है, है? दो आत्माएं हैं, एक प्रजापिता की आत्मा और एक शिव बाबा, तो किस में मोह रखना है? एक में मोह रखना है बस, दूसरा न कोई। ऐसे पक्के बनेंगे तब ही ऊंच पद पावेंगे और पास विदानर बनेंगे। अच्छा अभी मीठे मीठे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग क्यों कहा? प्रातः काल चल रहा है।